कटंगी तहसील ग्राम सीताखोह के 107 ग्रामीणों को तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राय ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया है। इसका सोमवार को तहसील कार्यालय कटंगी आकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि वह बीते 5 दशक से इस रिक्त सरकारी भूमि पर निवास कर रहे हैं। यहाँ वसाहत होने की वजह से ग्राम पंचायत ने सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीणों का लाभ प्रदान किया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों के घरों में शौचालय निर्मित करवाए गए। पीने के पानी के लिए पंचायत ने कूप व हेडपंप का निर्माण करवाया। इसके साथ ही कई लोगों को आवासीय पट्टे व पावती भी प्रदान की गई। परंतु अब अचानक से तहसीलदार ने सरकारी भूमि खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने इसे ग्रामीणों पर किए जाने वाले अन्याय बताया तथा ग्रामीणों के साथ तहसीलदार से चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों के आवास पर आंच आती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि तहसीलदार ने स्पष्ट किया है वह आवासों को बिल्कुल नहीं हटाएं। जो लोग सरकारी भूमि में अन्य कार्य में कार्यरत हैं उन्हें हटाया जाएगा। बालाघाट रामपाली से ब्रिजेश मिश्रा की रिपोर्ट। वो कार्रवाई होगी, आवास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आवास क्यों हटा रहा है? मकान वाली कोई बात ही नहीं, किसी हटाने की बात ही नहीं है अभी। मकान वालों को नोटिस नहीं देने चाहिए थे ना सर? मकान बनाया होगा उसके साथ अतिक्रमण किया होगा, वो अपने जवाब में लिख के दे कि हमने नहीं किया है, हम केवल मकान बना के रह रहे हैं, ये लिख के देगा। और जो खाली पड़ी भूमि है उस पे जिनके घरौंदे बने हुए हैं, जो कई वर्षों से वहां पर निवासरत हैं, उनको हीरो बनने के लिए या कुछ लोगों के इशारों पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनके इशारों पर ये लोग काम करते हुए और 107 परिवारों को ये लोग बेदखल करने का इन्होंने नोटिस दिया है। उसी संबंध में हम तहसीलदार से चले आए थे। चूंकि उनका नोटिस ही अवैध है इसलिए उसके नोटिस के ऊपर मैं समझता हूं कि किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई खेती तो उसको तो ठीक है, जो अगर खेती कर रहा होगा खाली पड़ी भूमि पर अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो उससे भारत को मानव श्रम भी मिल रहा है, एक आदमी को रोजगार भी है, तो मैं समझता हूँ है नहीं। फिर भी अगर उस पे कोई आपत्ति है तो उसमें नियमानुसार जवाब देने लोग तैयार हैं। परंतु अगर आवासों को खाली करने की बात शासन प्रशासन करेगा तो हर स्तर पे हम लोग इनसे लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जिस स्तर पे प्रशासन लड़ना चाहे। हमारा क्षेत्र का हर एक नागरिक सीताखोह के लोगों के साथ है और हर स्तर की लड़ाई हम लोग इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं।